हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा एंड आज हम देखेंगे मटन बिरयानी कैसे बनती है। अब देखते हैं हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। हम लेंगे आधा कटा हुआ टमाटर, एक मिर्च, आधा कटा हुआ प्याज, दो प्याज तली हुई, कुछ खड़े मसाले जिसमें हम लेंगे बे लीफ, इलायची, लौंग, दालचीनी, हरा धनिया, गार्निश के लिए काजू। ये मैरिनेटेड मटन है जो हमने 2 घंटे मैरिनेट किया है, जिसमें हमने दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डाला है, अदरक लहसुन पेस्ट, मसाले जिसमें है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, बिरयानी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कुक्ड राइस, नमक और घी। राइस को हमने 90% कुक कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मटन बिरयानी। हम एक कढ़ाई में 3 चम्मच घी डालेंगे। घी थोड़ा गर्म होते ही हम उसमें अपने खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची और बे लीफ। उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और हमारा कटा हुआ प्याज। जैसे प्याज थोड़ा भून जाए हम उसमें अपने तले हुए प्याज डालेंगे, इससे हमारे बिरयानी के मसाले का कलर भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। यह अदरक लहसुन और हरे धनिए की पेस्ट। इसको अच्छे से मिला लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अदरक लहसुन की खुशबू ना चली जाए। अब इसमें हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे। तो अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ये सब मसाले डालेंगे। डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी। मैंने बिरयानी मसाला डाला है विच इज़ ऑप्शनल। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और याद रखिए, लाल मिर्च पाउडर हमने मटन जब मैरिनेट किया है तब भी डाला है। सब मसाले अच्छे से लग जाए। फिर हम इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे, जस्ट फॉर 10 मिनट्स। अब देखिए इसको कैसे घी छूट गया है। इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। अब इसको अच्छे से मिला के ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारे टमाटर भी गल गए हैं। अब हम डालेंगे नमक। हमने जब मटन मैरिनेट किया है तब भी नमक डाला है। अब
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। इसको हम मिक्स करके कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे, जैसे कि मटर पक जाए। अब हम लेयर वाली मटन बिरयानी बना रहे हैं, तो मैं कुछ मटन की जो हमने ग्रेवी बनाई है वो निकाल लूँगी। अब हमने जो राइस बनाया है विच इज़ 90% को, हम आधा राइस इसमें डाल देंगे। और हमने राइस कुक करते वक्त भी इसमें नमक डाला है। ये राइस की लेयर उस पर आ गई। अब उसके ऊपर हम डालेंगे तली हुई प्याज, काजू के थोड़े टुकड़े और हरा धनिया। और जब हमने वो मटन निकाल लिया था वो अब डालेंगे। ताकि हमें एक अच्छे से लेयर मिल सके, इसके ऊपर हम वो आधा रखा हुआ चावल डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आसानी से बन जाएगी। इसके ऊपर हम वापस से काजू के कुछ टुकड़े, हरा धनिया और प्याज डाल देंगे। अगर आपको इसको दम बिरयानी बनाना है तो आप जैसे ही इसको ये सब होने के बाद ढक के रख दीजिए, और आटे से उस लीड को बंद कर दीजिए, तो वो हो गई दम बिरयानी। इसके ऊपर हम थोड़ा घी डालेंगे जिससे स्वाद अच्छा आएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। तले हुए प्याज से बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। जितने ज़्यादा तले हुए प्याज रहे उतना स्वादिष्ट आपकी मटन बिरयानी बनेगी। हम 5 मिनट बाद लीड खोल के देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बन चुकी है। अब हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बिरयानी का मज़ा तभी आता है जब बिरयानी गर्म हो। आप चाहे तो ऊपर से नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये मटन बिरयानी अच्छी लगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई चैनल।
एंड एन्जॉय दिस टेस्टी मटन बिरयानी।